मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बिगड़ी बात अब इतनी बढ़ गई है कि बयानबाजी निजी स्तर पर होने लगी है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के बाद से नाराज हुए अखिलेश का लगातार पलटवार जारी है। पहले अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता बताया। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इसके बाद कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश का बयान देकर समाजवादी पार्टी को भड़का दिया। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाबाजी की है। इसके बाद तो जैसे सपा और कांग्रेस में शब्दों की जंग ही छिड़ गई हो। शनिवार को सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने अजय राय और कमलनाथ को छुटभैया नेता ही कह दिया। यहाँ पर भी अब कांग्रेस के तमाम नेता जो है अनर्गल जो समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, कमलनाथ ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए। रहने दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटभैया नेता है। जाहिर है एमपी में टिकट नहीं मिलने से सपा और अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन गुस्सा शब्दों में कहां तक जाएगा इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। देखना होगा कि सपा और कांग्रेस मिलकर इस विवाद को कैसे खत्म करते हैं।